हे हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। एंड फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। यार, उन लोगों को बताना चाहूँगा जो चैनल में बिल्कुल नए होंगे ना, उन लोगों को बताना चाहूँगा यार, अगर आप लोगों को चाहिए ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट बाइनरी मार्केट, बाइनरी एप्लीकेशन और फॉरेक्स मार्केट, या फॉरेक्स से पैसा कैसे कमा सकते हो, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन कि आप ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से किस तरीके से पैसा कमा सकते हो, ठीक है? तो यार, करना क्या है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके जाना, क्योंकि सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो होगी वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपके मोबाइल में मिल जाएगी और आप जल्दी से जल्दी देख पाओगे। क्यों? क्योंकि टाइम ना है ना यार, जो चीज़ ना अगर एक बार मिस हो जाती है ना तो वापस आपको नहीं मिलती है, ठीक है? या फिर जिसकी वैल्यू नहीं है ना आपको, तो वो चीज़ एक बार हाथ से चली गई तो बहुत टाइम लग जाता है उस चीज़ को वापस लेने में। सॉरी आई गेस, थोड़ा सा ना प्रमोशन हो गया चैनल का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टूवर्ड्स द वीडियो। सो वीडियो क्या ऊपर आते हैं, आज का जो टॉपिक है वो हमारा होने वाला है ट्रेड विद नो स्ट्रैटेजी। आज मैं जो है ट्रेड लेके दिखाने वाला हूँ आपको मेरे ही अकाउंट से विदाउट स्ट्रैटेजी। यार, सबसे पहले ना डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं। द वीडियो इज़ टोटली डेडिकेटेड या टोटली टूवर्ड्स फॉर एजुकेशनल पर्पजेज, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज और एंटरटेनमेंट पर्पजेज। मैं आपको नहीं इनकरेज कर रहा हूँ कि आप विदाउट स्ट्रैटजी के ट्रेड्स लो, गॉट इट? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप भी करो। द थिंग इज यार, वीडियो देखो, इंजॉय करो, अच्छी लगे तो यूज़ करो, नहीं अच्छी लगे तो ना यूज़ करो। द सेकेंड थिंग इज कि विदाउट स्ट्रैटजी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आँख बंद करके ट्रेड्स लूँगा। विदाउट स्ट्रैटजी मीन्स कि हाउ टू रीड द चार्ट्स, जो ग्राफ है उसको कैसे रीड कर सकते हो एट द रियल टाइम की बात अगर हम करते हैं तो। और द सेकेंड थिंग इज कि जब ग्राफ को आप रीड करते हो ना, तो दे आर सो मैनी पैटर्न्स, इवनिंग स्टार्स, मॉर्निंग स्टार्स, टोजी, हैमर, एंड दे आर सो मैनी पैटर्न्स जो है वो यहाँ पे चलते रहते हैं ग्राफ में। सो द थिंग इज, जो आपको करना है वो ये कि आपको रिकग्नाइज करना है इन पैटर्न्स को। और टाइम टू टाइम मैं टेलीग्राम्स पे अपडेट करता रहता हूँ कि आपके जो पैटर्न्स हैं किस तरीके से आप उन्हें रीड कर सकते हैं। और कुछ पैटर्न्स जो है मैं आपको दिखाते रहता हूँ कि अगर ये पैटर्न आपको दिखता है तो करना क्या है, आपको एक्शन क्या लेना है, बुलिश या बेयरिश, करना क्या है आपको। सो एग्जैक्टली द थिंग इज, आपको वही चीज़ को कंट्रोल करना है और उसी के ऊपर आज की जो वीडियो है। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा लाइव अकाउंट आप देख पा रहे हैं, 15,630 डॉलर्स के साथ। तो यहाँ पे हम लेने वाले यार 100 डॉलर से स्टार्ट करते हैं ना ट्रेड लेना। 100 डॉलर से ट्रेड लेते हैं। अब किस तरीके से ट्रेड लेंगे हम, लेट्स सी। सो अभी है, आज है संडे, तो यहाँ पे अभी मेरे पास जो मार्केट है, सारी जो करेंसीज हैं वो ऑलमोस्ट सबके सब क्लोज्ड है। सो विल मूव फर्दर विथ लिमिटेड करेंसी पेयर्स। ओके, सो हम लिमिटेड करेंसी पेयर्स के साथ ही आगे बढ़ेंगे। यार, ये कुछ सेटिंग्स हैं जो हर बार करनी पड़ती हैं, रियली फ्रस्ट्रेट करती है। अगर हर करेंसी में आपको एक ही चीज़ करनी पड़े ना, रियली फ्रस्ट्रेटिंग। तो ये करेंसी है, ये काम की नहीं है, अभी फ़िलहाल तो काम की नहीं है। अब यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, नहीं यहाँ पे भी हम 1 मिनट की ट्रेड नहीं ले सकते कुछ, क्योंकि कोई पैटर्न मुझे यहाँ पे फ़िलहाल अभी नहीं रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो हम करेंसी चेंज करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे पैटर्न्स जो है उसको चेंज कर लेते हैं, हमारे ग्राफ टाइमिंग को एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे ना, उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ना मैं टाइम सेट कर रहा हूँ जो ग्राफ है उसका, तो मुझे ना 1 मिनट का टाइमिंग अच्छा लगता है, सूट करता है। तो आप अपने हिसाब से उसको टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। कैंडल्स को देखोगे आप तो यहाँ पे जैपनीज कैंडल स्टिक्स मेरे को अच्छी लगती है। बाकी आप जो है देखो, 3-4 पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। देखो, अगर आप विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे हैके नशी के साथ करोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा कि देखो सिनेरियो क्या चल रहा है, ठीक है? और कैंडल मिनट तो आपने 1 मिनट रखा हुआ ही है, तो अब देखो यहाँ पे ग्रीन है टोटली, तो हम ग्रीन पे भी ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, फॉर टुडेज़ वीडियो हम इसी से ट्रेड ले लेते हैं ताकि आपको इससे थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी देखो, ठीक है, तो ग्रीन का सिनेरियो है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ले लेता हूँ। अभी मेरे पास कोई पैटर्न रिकोगनाइज, देखो अगर पैटर्न की बात करते हैं तो एक डोजी हल्का सा बना था, लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी हमने 100 डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी ये अपवर्ड डायरेक्शन में। हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में, और अमाउंट जो है हमारी वो है 100 डॉलर्स। टाइमिंग जो है हमारी ऑलमोस्ट 1 मिनट, ऑलमोस्ट नहीं एक्चुअली 1 मिनट। ओके, एंड अभी 37 सेकेंड्स अभी रिमेनिंग है, 37 सेकेंड्स। ओके, 31 सेकेंड्स,
आहा, ये तो बहुत ही नीचे आ गया है। एंड रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम है गाइस, बहुत ही कम चांसेस है। लगता नहीं है कि इतना ऊपर तक जाएगा, क्योंकि यार मुझे ना ज़्यादातर ये जो हैकिनशी कैंडल्स है इनकी आदत नहीं है। ट्रेल लेते टाइम मैं जो पैटर्न यूज़ करता हूँ वो कैंडल स्टिक पैटर्न ही यूज़ करता हूँ। तो हम वापस कैंडल स्टिक पैटर्न में स्विच करें या ना करें, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है हमें कैंडल स्टिक पैटर्न में वापस स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि और पैसे हारने का भैया मुझे तो शौक नहीं है। तो यहाँ पे हम जाएंगे वापस कैंडल स्टिक पैटर्न में, क्योंकि आप जिसमें एक्सपर्ट हो आपको वही चीज़ करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिसमें एक्सपर्ट नहीं हो वो ट्राई भी मत करो, वो भी ट्राई करो, लेकिन उस पर डिपेंड करेगा आप किस सिचुएशन पे हो अभी। तो हम हमारी इन्वेस्टमेंट को कर देंगे $200 एंड हम करेंगे अभी करेंसी को चेंज फिलहाल। ओके सो हम डैश पे जाते हैं, ठीक है। ओके 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 सिनेरियो ये है अभी फिलहाल का। एंड आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा ऊपर मार्केट जाने वाला है। मैंने जो ट्रेड है वो प्लेस कर दी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अमाउंट है हमारा $200। लेट्स सी कि क्या होता है। $200 की इन्वेस्टमेंट, अभी मैं इन्वेस्टमेंट को फिर से कम कर देता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि हम ये ट्रेड जीत जाते हैं, यार लकीली जीत जाते हैं, मुझे पता है आपको मुझ पर विश्वास तो नहीं है कि मैं जीत जाऊँगा, बट फिलहाल फिर भी अगर हम ये ट्रेड जीत जाते हैं तो जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा की प्लेस हो जाएगी। एंड दैट आई डोंट वॉन्ट, वो मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज हम जाएंगे लिटिल लिटिल मार्टिकल स्टेप्स पे और कोशिश करेंगे यार $500 का प्रॉफिट लेने में, $500 का प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे इस सेशन में, ठीक है। हाँ हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाए, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि मज़ा आने वाला है। क्योंकि अगर मज़ा नहीं आया ना तो यार आप भी मेरे चैनल के साथ नहीं होते, क्योंकि हम इन्जॉय करते हैं ट्रेडिंग को, इन्जॉय करेंगे ना धीरे धीरे तब जाके चीज़ें कंट्रोल में आती हैं। मज़ा आता है अगर ट्रेडिंग को इन्जॉय करते हैं, तो विदाउट इन्जॉइंग ना कोई चीज़ करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे अभी क्या है यार, मैं थोड़ा काउंटिंग नहीं कर पाऊँगा अभी। हम $200 की अगर हमने ट्रेड लिया, तो पिछली ट्रेड हमने ली थी $100 की, तो हमें हुआ था $100 का लॉस, और अब हुए हैं हमें $360, यानी लगभग लगभग अभी हम $60 के प्रॉफिट में हैं आई थिंक। ओके अभी हमें $60 के प्रॉफिट में, तो अब जाते हैं फॉर द नेक्स्ट ट्रेड, लेट्स सी। और मैंने जो ट्रेड है वो प्लेस कर दी है गाइस अपवर्ड डायरेक्शन में। अमाउंट है हमारा $100, लेट्स सी $100 की इन्वेस्टमेंट एंड डायरेक्शन है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन। या लॉस जो होगा ना, यानी देखो अभी फिर से वो रेड कैलेंडर, रेड जो है वो कैंडल बन गई है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं। अब देखोगे ग्रीन कलर की इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। फॉर द नेक्स्ट कैंडल विल वेट एंड वॉच, हम तो सोचेंगे, वेट करेंगे, वॉच करेंगे मार्केट को एंड सिनेरियो को, एंड फर्दर एक्शन लेंगे फर्दर प्लान के लिए। ओके सो बट द थिंग इज, एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि यार एक दो हार जाते हो ना ट्रेड, जैसे हम टेलीग्राम पे भी जो है ट्रेड लेते रहते हैं, लाइव जाते हैं, दो तीन ट्रेड अगर कॉन्टीन्यूसली हार जाते हो ना, इट नॉट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर नॉट कैपेबल टू डू एनफ, हम कैपेबल नहीं है कुछ काम करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है। और इसका मतलब ये है कि कभी कभार भैया अगर हम सिक्का उछालते हैं ना, तो हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार हम जो चाहेंगे वही होगा हमारे साथ, कभी हेड भी आएगा कभी टेल भी आएगा, ठीक है। तो ईच एंड एवरी कॉइन ना हैज़ टू फेसेस, ठीक है। अभी ये जो ट्रेड है हम विन कर गए हैं, टोटल प्रॉफिट अभी हमारा हो गया है $160 का। लेट्स सी सो हम जाते हैं फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है, हमारी जो अमाउंट है वो है $100। ये कोई तुक्का नहीं है, अब आप लोग ये तुक्का समझ रहे होंगे, ये सारी जो ट्रेड्स मैं ले रहा हूँ ये तुक्के समझ रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्टली ये कोई तुक्का नहीं है। जस्ट रीड द ग्राफ, जस्ट रीड द ग्राफ, और ये चीज़ आएंगी आपको प्रैक्टिस के ऊपर। हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो ले रहे हैं जस्ट फॉर 1 मिनट्स, अगर हम 1 मिनट की ट्रेड लेते हैं सो यहाँ पर बहुत चीज़ें काम आती है। वो क्या, अब देखो ये जो कैंडल है 10 सेकेंड्स के बाद नई कैंडल बनने वाली है मार्केट के लिए, तो नई कैंडल के हिसाब से मुझे प्रिडिक्शन लगा कि नई कैंडल जो होगी वो डाउन डायरेक्शन में होने वाली है या हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी देखो काफ़ी सारी ग्रीन कैंडल्स की कैंडल आपको पीछे दिख रही हैं, लेकिन अगर देखोगे सेलर्स और बायर्स दोनों के दोनों इफेक्टिव हैं अभी मार्केट पे, ठीक है। दोनों के दोनों कंपटीशन में हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपके पास कंपटीशन नहीं है, दोनों के दोनों पे आपके पास कंपटीशन है। तो यहाँ पे टफ हो जाता है जज करना, लेकिन जब इतनी सारी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है ना, तो 1 मिनट के लिए और मार्केट ऊपर रहेगा, इसको भी प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नीचे लिया था, लेकिन हम 1 सेकंड के डिफरेंस से ये ट्रेड हार गए हैं, सिर्फ 1 सेकंड के डिफरेंस से।
तो अभी हमारा टोटल प्रॉफिट फिर से हो गया है $60 का, जो कि अभी पिछले ट्रेड तक था $160 का। अब हम फिर से लेंगे $200 की ट्रेड एंड हम करेंगे अगेन अगेन अगेन। लेट्स सी वी विल वेट, थोड़ा सा वेट करेंगे एंड विल मूव फर्दर। हम आगे इंक्रीज बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे अपना, लेकिन थोड़ा सा वेट ज़रूर करेंगे फॉर द नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि यार कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी लग नहीं रहा कुछ सिनेरियो मार्केट का ना, चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस आर पॉसिबल। अब देखो देखो देखो, जो ग्रीन कलर की कैंडल है काफ़ी बड़ी बन गई है और अभी तो 51 सेकेंड्स ही हुए हैं, तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमाउंट प्लेस कर दी है $200 की, $200 डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड अभी हम लॉस में ही है फिलहाल, तो अगर देखोगे तो अभी तो फिर से वो ग्रीन कलर की कैंडल जो है हमारी एक्सेप्टेशन से ऊपर चली गई है। लेकिन यार एक चीज़ देखोगे आप, पिछली कैंडल को देखो आप, पिछली कैंडल जो है वो लास्ट कैंडल है वो छोटी बनी है एंड ये कैंडल काफ़ी ऊपर तक चली गई है, और मार्केट पे दोनों का इफेक्ट है अभी ना, बायर्स और सेलर्स। तो मुझे लगा अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शंस कि जो ये ग्रीन कलर की कैंडल है ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगी, और डिपेंड करेगा फिर नेक्स्ट कैंडल के ऊपर सारी चीज़ें। अगर ये थोड़ी सी और नीचे क्लोज होती है ना, यानी 7 सेकेंड्स है हमारे पास, अगर ये थोड़ी और नीचे जाके क्लोज होती है, देखो देखो दैट्स वेरी बैड। अगर ये इतनी ऊपर जाके क्लोज होगी तो हम हारेंगे डेफिनेटली ये ट्रेड, लेकिन अगर ये थोड़ी सी और नीचे जाके होती तो फिर हम ये ट्रेड जीतने के हमारे चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते। बट दिस ट्रेड इज़ अबाउट टू गॉन एंड वी लॉस, वी आर इन लॉस इन $140 टुडे। ओके सो वी लॉस, वी गॉट अ लॉस अगेन। सो अब जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट $500 की। ओके $500 की इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट इन इंडियन करेंसी, या अबाउट $35,000, लाइक अबाउट ₹35,000। बट यू नो गाइज यार, मैंने स्टार्टेड वर्किंग विद दिस मार्केट ना, दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, तो अब रुपीज़ में बात नहीं आती है। लाइक अब लाइक वेन एवर वी आर ट्रेडिंग लाइक दिस एंड सो वी आर थिंकिंग अबाउट दैट, कि जब भी कोई बात करते, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बात करते हैं किसी से भी, कोई फ्रेंड है बोलता है मुझे ₹10,000 दे दे फॉर रेंट, ओके बोरो करना है उन्हें, तो मैं बोलता हूँ ओके ₹10,000, आई मीन ऑलमोस्ट फिफ लाइक ऑलमोस्ट $150 लाइक दिस। अब ऐसा सिनेरियो होता है, ओके तो मार्केट चेंज हो गया है यहाँ पे, तो हम जाएंगे किसी और करेंसी पे। लेट्स सी विल मूव फर्दर फॉर अनदर करेंसी। सो यार अभी मुझे ठीक से याद नहीं हम कितने लॉस में हैं, हम 200 कुछ डॉलर्स के लॉस में होंगे आई थिंक, या सो जो भी है $500 की ट्रेड है, अगर हम ये जीत जाते हैं तो सब कुछ कवर हो जाएगा, और नहीं जीतते हैं तो काफ़ी लॉस हो जाएगा, देखते हैं। तो अब हम ट्रेड लेंगे 2 मिनट्स की एंड मैंने जो ट्रेड है वो प्लेस कर दिया है अपवर्ड डायरेक्शन में। 2 मिनट्स की ट्रेड है, डायरेक्शन है हमारी ऊपर की तरफ, यानी ग्रीन, यानी ऊपर की तरफ बुलिश। ओके और 11 सेकेंड्स जो नेक्स्ट कैंडल बनने के लिए है, और अभी मार्केट जो है काफ़ी डाउन है, लाइक रेड पे है एंड देखते हैं क्या होता है। यार बताऊँ आपको क्या है ना, फ़ायदा कब होता है, जब आपकी क्लोज़र लाइन जो होती है ना, नेक्स्ट कैंडल मतलब जो प्रीवियस कैंडल होती है वो आपकी क्लोज़र लाइन के आसपास क्लोज होती है ना, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, अगर नहीं तो फिर आपको लॉस ही होता है। इन द केस, इस केस में आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है, अदरवाइज तो कुछ नहीं, लेकिन उस केस में आपके लॉस होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं। अब देखो अगर ये कैंडल मेरे इस जो डेडलाइन है अपनी, जहाँ पे इस डेडलाइन को क्रॉस करना है, इसके आसपास बनी यानी क्लोज हुई, तो हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा, बट अदरवाइज यहाँ पे लॉस होने के चांसेस है। अब देखो कितनी नीचे क्लोज हुई, कितना नीचे चले गई है रेड कलर की कैंडल, तो इट मीन्स कि ये जो ट्रेड है वो भी हमारे हाथ से जाने वाली है एंड अबाउट $500, नॉट इवन अ सिंगल, लाइक छोटी अमाउंट नहीं है, सो बिग 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 अमाउंट $500। तो यार अब हमें इन्वेस्टमेंट हमारा करना पड़ेगा $1,000, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है, ₹70,000। ओके क्योंकि आज हम ट्रेड कर रहे हैं विदाउट स्ट्रैटेजी, आज हम नहीं यूज़ कर रहे हैं कोई भी स्ट्रैटेजी को, एंड लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन। व्हेन आई स्टार्टेड, हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा अमाउंट था लगभग लगभग $15,610 आई थिंक। ओके अगर हम यहाँ हार जाते हैं तो हमारा हो जाएगा 14,970, यानी ऐसा समझ लो 15,000, यानी ऑलमोस्ट $600 के लॉस में ऑलमोस्ट, अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि और ऐसे होगा ही क्योंकि अभी 15 सेकेंड्स है और बहुत ऊपर तक जाना अभी मार्केट को बाकी है, जो कि लगभग 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 इम्पॉसिबल सा ही है।
इतना ऊपर तो तभी जाता है जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो, और इस करेंसी में कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशंस मुझे देखने को मिले नहीं। ठीक है, तो अब हम जाएंगे करेंसी चेंज पे, तो हमारी यहाँ पे ये, तो हम जाएंगे अब वापस, हम जाएंगे जिसमें हम जीत रहे थे, बिटकॉइन या जेड कैश में। तो देखो बिटकॉइन में भी कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं है, डैश में जाएंगे, डैश इज़ फाइन। ओके डैश इज़ फाइन। सो ओहो यार, सब में लगभग लगभग एक सा ही सिनेरियो चल रहा है, ये कई इंटरनेट बग की वजह से है या एप्लीकेशन का कुछ इशू है, आई डोंट नो, बट जो भी है स्ट्रेंज। ओके टाइम हम फिर से 1 मिनट करके देखते हैं, अभी फिलहाल देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहेगा, 1 मिनट की ट्रेड यहाँ पे सही रहेगी या 2 मिनट की ट्रेड सही रहेगी। लेट सी लेट सी लेट मी गेट। अगर देखो यहाँ पे देखो एक पैटर्न दिख रहा है आपको, ये देखो ग्रीन कलर की कैंडल फिर रेड कलर की कैंडल, इस पैटर्न को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। तो यहाँ पे अभी ना अभी थोड़ा बहुत हमारे काम आ जाता है ये पैटर्न, अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले पाते, लेकिन ये पैटर्न तो हमारे हाथ से जा चुका है। तो अभी हम दूसरे पैटर्न को सर्च करने की कोशिश करेंगे कि हमें कोई और पैटर्न मिले, किसी और करेंसी में भी मिल जाए तो वो भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं सेट, और यहाँ पे जाते हैं कि अपनी स्कैनल स्टिक्स। ओके, तो अब हम हैं यहाँ पे एन फॉर 1 मिनट, हमें 1 मिनट की ट्रेड लेनी है, एंड इट्स वेरी क्रूशियल गाइस, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द मार्केट फॉर द 1 मिनट फ्रॉम हियर, है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल तो बनी नहीं, देखो अभी तक नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल भी बनी ही नहीं है। बट वेट, हम अरे यार इसका तो परसेंटेज वो 30 हो गया है, बच गया, अच्छा हुआ बच गया, अदरवाइज यहाँ पे हमें, अगर हम जीत जाते तो हमें 30% रिटर्न मिलता, हार जाते तो हमारा सारा पैसा चला जाता यार, $1000। तो देखो अगर हम ये हार भी जाते हैं तो भी नॉट एन इशू, वो कोई इशू नहीं है, बट लेकिन आप लोगों को यही चीज़ बतानी है यार, ट्रेडिंग विदाउट स्ट्रैटेजी ना वर्कआउट नहीं करती है, ठीक है, और अगर करती भी है तो उसमें आपको जो पैटर्न्स है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, वो अच्छे से रीड करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, तब जाके ट्रेडिंग विदाउट स्ट्रैटेजी जो है वो वर्कआउट करेगी आप लोगों के लिए, ये चीज़ याद रखना। अगर आप ट्रेडिंग विदाउट स्ट्रैटेजी करना यूज़ करना चाहते हो तो आपके पैटर्न्स जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। क्या बोलता है अभी मार्केट फिलहाल? तो हमने जो है ट्रेड ले ली है $1000 की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टाइमिंग हमने रखा है 2 मिनट्स यार, क्योंकि 1 मिनट की ना मेरे को थोड़ी सिक्योर नहीं लग रही थी एट दिस मोमेंट ना, ट्रेड लेना थोड़ा लाइक ऐसा लग नहीं रहा था, फीलिंग नहीं आ रही थी कि 1 मिनट की ट्रेड अभी हमें लेनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि ऑडियंस को 1 मिनट के लिए और इंगेज करते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसलिए ले ली है 2 मिनट्स की ट्रेड, ताकि यार देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा, 2 मिनट की जो ट्रेड होगी ना मज़ा आएगा उसमें, 1 मिनट की ट्रेड में अभी ख़त्म हो जाती है 1 मिनट जल्दी से लेके, तो मज़ा नहीं आता। तो अभी आप लोग को भी अब दिल पे थाम पत्थर रख के बैठ जाओ भाई, मतलब दिल पे पत्थर रखते हैं ना वो, एक एक शायद शायद मुहावरा है हिंदी में, सांस से रोक के बैठ जाओ, या और जैसे सांप सूंघ गया हो ना, सांप जैसे सूंघ के चला जाता है, वहाँ पे उस कंडीशन में आप बैठ जाओ, क्योंकि बिड जो है वो है 71,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में, 71,000 रुपीज़ का मतलब लगभग लगभग $1000। ओके और एक चीज़ और बताऊँ यार, अब आप लोगों के मन में आ रहे होंगे कि मैं रिस्क फ्री ट्रेड क्यों नहीं ले रहा हूँ, तो यार रिस्क फ्री ट्रेड ले सकता हूँ मैं सिर्फ $100 की, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, तो ये रीज़न है मैं यहाँ पे रिस्क फ्री ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरे पास इतना अच्छा चांस होता कि मैं रिस्क फ्री ट्रेड बड़ी अमाउंट की ले सकता, तो आज मेरे पास पैसों की कमी होती ही नहीं। और आप लोग पूछते हो ना कि ट्रेडिंग से कितना फ़ायदा होता है, क्या प्रॉफिट होते हैं क्या नहीं, तो यार एक चीज़ बताऊँ, प्रॉफिट होते हैं ट्रेडिंग से, कोई बना नहीं है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट होता है, पैसा होता है, लेकिन लॉसेस भी होते हैं, और वो लॉसेस इतने बड़े होते हैं ना, कई बार इतने बड़े लॉसेस होते हैं जिनको कवर करना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा ही हो जाता है, हमारे लिए भी, मेरे लिए भी इवन, ठीक है, अगर आप मेरी बात करते हैं तो, क्योंकि यार मैं भी कोई स्पेशल नहीं हूँ, कोई स्पेशल पार्ट नहीं है मेरे अंदर, जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर है। तो यहाँ पे सेम सिनेरियो कि अब देखो यार ये ट्रेड बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, और मुझे लगता है, मुझे तो खुशी है इस बात की, और अगर आपको भी है, अगर आपको भी इस बात की खुशी है तो लाइक कर देना यार वीडियो को, एंड हैशटैग टेक्निकल अवी ज़रूर यूज़ करना। अब यहाँ पे हम $1000 की ट्रेड है वो जीत गए हैं, हमारा जो प्रॉफिट है वो $1800 का हो गया। तो अब सबसे पहले मैं इसको वापस हटा देता हूँ, कभी गलती से वापस $100,000 की ट्रेड लग गई तो भैया फिर तो लेने के जो है वो देने पड़ जाएंगे, और देने के लेने भी पड़ जाएंगे, क्योंकि $1000 की ट्रेड कोई छोटी अमाउंट नहीं है।
तो अभी हमारे पास जब हमने स्टार्ट किया था उससे लेके अब तक लगभग 100-150 डॉलर का प्रॉफिट लगभग लगभग मुझे लगता है हमारे पास है। ओके, अब हम एक रिस्क फ्री ट्रेड लेके देखते हैं यार। एक तो ट्रेड लेंगे आज रिस्क फ्री 100 डॉलर्स की, एंड मैंने जो है वो देखते हैं क्या अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर दी है हमारी ट्रेड 100 डॉलर्स की, जो कि रिस्क फ्री ट्रेड है। मतलब अगर हम जीतते हैं ये ट्रेड तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 80%, लेकिन अगर हम ये ट्रेड हार जाते हैं तो हमारा लॉस कितना होगा? ज़ीरो, यानी जो ये अमाउंट है वापस मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ये गुड गुड गुड, तो हम ये लगभग लगभग जीतने वाले। तो अभी हमारा लगभग नेट प्रॉफिट पता नहीं मुझे कितना हुआ, मेरे को ठीक से याद नहीं, बट जितना भी है वी आर सेटिस्फाइड इन दिस प्रॉफिट। धीरे धीरे करके ही जो है बहुत बड़े प्रॉफिट तक जा सकते हैं। अब कुछ लोग मुझसे ज़रूर पूछेंगे कमेंट में कि सर अगर वो आप 1000 डॉलर्स की ट्रेड हार जाते तो क्या करते? तो कुछ नहीं करता, तो मैं इस वीडियो को करता बंद, और उसके बाद क्या करता मैं, जब अच्छे से स्ट्रैटेजी पे एक और ट्रेड लेता जो कि लेता 2000 डॉलर्स की, और डेफिनेटली उसको विन करने की कोशिश करता, तो मेरा सारा लॉस जो है वो कवर हो जाता। ठीक है, ओके। तो ये थी हमारी रिस्क फ्री ट्रेड इन, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। अभी हम हैं 16 सेकेंड्स, 14, ओके, हमारे पास बहुत कम, लाइक ओहो बाय मिस्टेक 2 मिनट की ट्रेड सेट हो गई यार। ओके यार, आज हो क्या रहा है पता नहीं, लक साथ में नहीं है क्या, जो भी है। 1 मिनट की ट्रेड तो हम डेफिनेटली जीत जाते अगर हम 1 मिनट की लेते तो, बट सेट हो गई है 2 मिनट की ट्रेड, एंड लेट्स सी। तो अभी अगर यार मैं अल्टीमेटली, चलो एक दो ट्रेड और ले लेते हैं इसी करेंसी पे ना, एक दो ट्रेड और ले लेते हैं। ओहो, गॉन गॉन गॉन, बच कहाँ, कितना सेकंड्स बचा है? 30 सेकंड्स, एंड ये तो भाई डेडलाइन पे पहुंच गया है हमारे एकदम। क्या होता है देखते हैं। अभी हम एक दो रिस्क फ्री ट्रेड और लेते हैं यार, 500 डॉलर का जो टारगेट है वो कंप्लीट करके जाएंगे फिर आज। ठीक है, अगर ये वाली ट्रेड जीत, ओहो कौन भाई, बहुत ही रिस्की मामला चल रहा है, 14 सेकेंड्स, और अभी हम लॉस में जा चुके हैं, और एकदम लास्ट सेकेंड्स में, कहाँ हम 1 मिनट की ट्रेड लेने वाले थे, बट अभी हम फिर से प्रॉफिट में, देन फिर से लॉस में, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस, इट्स लाइक आई डोंट नो वाई क्या हो रहा है, एंड लास्ट सेकेंड एंड वी वॉन, वी वॉन अवर रिस्क फ्री ट्रेड। ओके, सो विल फर्दर प्रोसीड, हम फर्दर प्रोसीड करते हैं विथ अवर रिस्क फ्री ट्रेड मैनेजमेंट, हमारे रिस्क फ्री ट्रेड के साथ। हालांकि प्रॉफिट परसेंटेज अभी कम मिल रहा है यार, 80%, लेकिन कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी। मैंने रिस्क फ्री ट्रेड ले लिया भैया 100 डॉलर्स की, डायरेक्शन है हमारा नीचे की तरफ, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। हमारा डायरेक्शन नीचे की तरफ मैंने सेट किया है, शायद गलती तो नहीं कर दी है। व्यूअर्स क्या लगता है आपको कि क्या होने वाला है मार्केट का सिनेरियो, मार्केट का हाल, और अगले 1 मिनट के लिए क्या ये कैंडल जाने वाली है इस लाइन से नीचे, जो कि मुझे लगता है कि जाएगी नीचे, और अब आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी भी काफ़ी तक, काफ़ी ऊपर चली गई है, काफ़ी ऊपर चली गई है भैया ये तो, यानी यहाँ पे मेरा भी प्रेडिक्शन को यहाँ पे इन्होंने जंग लगा दिया है, मतलब मेरे प्रेडिक्शन को भी इन्होंने गलत साबित कर दिया है। तो यहाँ पे बहुत ऊपर चली गई है, और लगता है ये 100 डॉलर्स हमारे बैंक में वापस आने वाले हैं अकाउंट में, और रिस्क फ्री ट्रेड हमारी एक जो है वो जा चुकी है। तो अब हम एक और रिस्क फ्री ट्रेड एक्टिव, ओहो, जस्ट 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 अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, वी हैव 8 सेकेंड लेफ्ट अभी। ओहो ला यार, बहुत नीचे आ गया था, द चांसेस, विनिंग चांसेस बहुत हाई थे, बट वी लॉस दिस ट्रेड। ओके, हम हार गए, बहुत ही अफसोस की बात है, वी लॉस लास्ट ट्रेड, बट नॉट एन इश्यू, वो हमारे अकाउंट में फिर से क्रेडिट हो गई है। चलो एक काम करते हैं, हम रिस्क फ्री ट्रेड और नहीं लेंगे यार, क्यों? क्योंकि ये रिस्क फ्री ट्रेड ज़्यादा लेना, अरे ये एक्टिवेट हो गई है क्या, इसको हटाया नहीं जा सकता क्या दोस्त? ओहो दिस एक्टिवेटेड ऑलरेडी ना, इसको लेना ही पड़ेगा एक ट्रेड तो। ओके, तो हम एक ट्रेड और ले लेते हैं रिस्क फ्री ट्रेड, एंड देन हम जो ट्रेड लेंगे उसके आगे वो रिस्क फ्री ट्रेड नहीं लेंगे, वो नॉर्मल ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि रिस्क फ्री ट्रेड ना ज़्यादा ख़राब करना सही नहीं है ऐसे सिचुएशन में। तो मैंने अभी जो ट्रेड है वो ले लिया है अपवर्ड डायरेक्शन में, इन्वेस्टमेंट है वो 100 डॉलर्स, जैसा कि पता है रिस्क फ्री ट्रेड्स में आप 100 डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ही रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैं तो कुछ कहूंगा ही नहीं यार अब, क्योंकि पिछली ट्रेड में आपने देखा था मैंने कहा था नीचे जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल ऊपर चला गया। तो भैया ये है सिनेरियो मार्केट का। अब ये देखो, इस बार जब जब ऊपर जाने के लिए कहा था तब वो ऊपर नहीं गया था, जब नीचे जाने के लिए कहा तब वो नीचे, सॉरी, जब अब ऊपर जाने के लिए कहा तो ऊपर नहीं गया था, और जब अब ऊपर जाना चाहिए तब ऊपर जा नहीं रहा। यही होता है भैया, यही होता है। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि हर टाइम यही होगा, वो आपकी स्ट्रैटजीज पर डिपेंड करता है सिचुएशन, ठीक है। ये तो हम विदाउट स्ट्रैटजी टू ट्रेड ले रहे, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, विदाउट स्ट्रैटजी है, बट आपको पता ही है इसके बिहाइंड क्या है। हम विदाउट स्ट्रैटजी हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए एग्जैक्टली। ओके ओके ओके, सो वी हैव ओनली 2 सेकेंड्स लेफ्ट एंड गॉन। ओके, तो अब क्या करते हैं आगे। अब हमारे अकाउंट में है 15,850 डॉलर्स। वेन वी स्टार्टेड तो हमारे पास थे ये 15,600, या लगभग लगभग 200 डॉलर का, 200-250 डॉलर का प्रॉफिट है हमारे पास अभी। इसको कर देते हैं 300 डॉलर का, एक ट्रेड और लेते हैं, जो बड़ी ट्रेड लेंगे, अब लेंगे 500 डॉलर्स की ट्रेड। एंड आज जो है भैया, 500 की भी नहीं यार, एक काम करते हैं 300 की भी ले लेंगे ना, तो भी हमारा जो प्रॉफिट है वो 500 डॉलर का हो जाएगा, ठीक है। 300 डॉलर की भी ट्रेड ले लेंगे तो भी हमारा प्रॉफिट जो है वो 500 डॉलर का हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। और मैंने जो है वो ट्रेड मतलब लेने की सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ, बट ये सोच रहा हूँ कि किस डायरेक्शन में लूँ। ओहो, थोड़ा सा ऊपर जा भैया, थोड़ा सा ऊपर चले जाए यार दोस्त। अरे नहीं 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 थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है तो हाँ, विल गो फॉर, विल गो फॉर दी ट्रेड, बट आई डोंट नो यार, अपने साथ नहीं लगता है आज का मार्केट, मुझे लगता है हमारे साथ नहीं है आज क्योंकि आज कोई बात ही नहीं सुन रहा है मार्केट हमारी, आज कोई कैंडल सी बात नहीं सुन रही। अब देखो ये ऊपर चला गया, लेकिन अब जो है मैंने ट्रेड ले ली है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अमाउंट है हमारा 300 डॉलर्स। टाइमिंग है हमारे पास ओनली 1 मिनट, सैड, वेरी सैड, वी हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट, जो कि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। उस 1 मिनट में हमारा कच्चा चिट्ठा पता लग जाएगा सारा यार दोस्त, अगर हम ये ट्रेड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। ओके 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 ओके, यू वन प्ले विद मी, ओके, जस्ट 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 आई विल शो यू। मैं आपको नहीं कह रहा दोस्तों, मैं इस ग्राफ को कह रहा हूँ, इस कैंडल को कह रहा हूँ। हाँ, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट एक्चुअली, दैट आई वांट। अब 300 डॉलर्स की ट्रेड है, तो यार हमें ऐसे कैसे हार मिल सकती है इतनी, वो भी इतनी आसानी से बिना फाइटिंग के। ओहो, यू वांट अ फाइट विथ मी ब्रदर। ओके लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओके 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 ब्रदर, ओके ओके यार इस, ओके आई एम लूजिंग, आई एम लूजिंग, मैं हार मान लेता हूँ दोस्त तेरे सामने, लेकिन मुझे जिता दे बस, क्योंकि 300 डॉलर्स है, 27,000 रुपये की ट्रेड है, तो हरा मत देना। अरे ओहो, ओके ओके ओके, वी लॉस्ट लास्ट ट्रेड, ओके वी लॉस्ट लास्ट ट्रेड, द रीज़न आपको पता लग गया हम कैसे हारे लास्ट ट्रेड। कभी भी भैया कैंडल से लड़ाई मत कर लेना भैया, सीधी सी बात है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो हैं उनसे कभी पंगा मत ले लेना। पंगा लेने का रिजल्ट आपने देख लिया, एक और ट्रेड जो है वो मैंने प्लेस कर दिया 500 डॉलर्स की। डायरेक्शन है हमारा डाउनवर्ड। अब यार डाउनवर्ड डायरेक्शन हम बार बार क्यों रख रहे हैं, मज़ा आता है क्योंकि ना ग्राफ नीचे जल्दी जाता है, ऊपर चढ़ने में टाइम लग जाता है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अब हमारे पास है 500 डॉलर्स की ट्रेड, एंड अगर हम ये भी जीत जाते हैं देखते हैं क्या होता है। अरे नहीं दोस्त, नीचे चला जा, नीचे चला जा, तेरे से पंगा नहीं ले रहा हूँ मैं, लास्ट टाइम पंगा लेके भी पछता रहा हूँ, 27,000 रुपये तूने मुझे हरवा दिए, बट दिस टाइम आई मस्ट से, आहा आई मस्ट से। लेकिन यार देख जो भी है ना गाइज, इंजॉय करो दिस मोमेंट, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, आई होप कि आप इंजॉय जरूर कर रहे होंगे, इस कॉमेंट्री को इंजॉय जरूर कर रहे होंगे, इस मोमेंट को जरूर इंजॉय कर रहे होंगे। हारना जीतना डजन मैटर, वो चीज़ देखी जाएगी यार आगे, क्या आगे कवर करेंगे, बट मज़ा ज़रूर आ रहा है इस ट्रेड को, क्योंकि अभी पिछली ट्रेड आपने देखी थी, मैंने पंगा लिया था भैया कैंडल से, और लड़ाई ज़रूर की थी, और आखिरी सेकंड पे उसने मुझे हरा दिया, और सिर्फ एक ही सेकंड के डिफरेंस से हम हारे थे वो ट्रेड, और माइनर सेकंड के डिफरेंस से। यार एक चीज़ और ज़रूर बताना चाहूँगा, सीरियस टॉपिक है जोक्स, ये देखो दिस ट्रेड ऑल्सो गॉन विथ अ सेकेंड, 1 सेकेंड से हम फिर से यही ट्रेड हारे हैं, और हम आके ट्रेड नहीं लेने वाले, या अगर हम लेंगे तो 1,000 डॉलर्स के ले लेते हैं यार, ताकि वो लॉस कवर हो जाए, बड़ा सा लॉस कर लिया हमने अभी, और लेकिन मार्केट सही नहीं चल रहा है यार अभी, तो मुझे लगता है मैं छोटे जो लॉस है उसमें स्टॉप हो जाना चाहिए, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक ट्रेड और ली और हम हार गए तो फिर जो लॉस है वो हो जाएगा लगभग लगभग 1,800 डॉलर्स का, लाइक 18 तो नहीं, 1,500 डॉलर्स का, जो कि बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा हम 500 डॉलर के लॉस में होंगे, लेकिन अगर हम एक बड़ी ट्रेड और हार गए तो बड़े लॉस में चले जाएंगे, तो ये 500 डॉलर का लॉस इज डजेंट मैटर, विल कवर। लेकिन द थिंग इज, लेकिन द थिंग इज, लास्ट सेकेंड्स में जो हम हार रहे हैं आज भैया, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, उसका कुछ जवाब ही नहीं है। और एक चीज़ और कि यार लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, कमेंट करके जाना #technicalavi, ठीक है, इंजॉय किया ना वीडियो को तो #technicalavi ज़रूर यूज़ करके जाना। एंड द थिंग इज कि यार लास्ट तक देखिए वीडियो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
ये जो लॉस है इसको मैं डेफिनेटली कवर कर लूंगा, डजेंट मैटर, या नहीं भी किया तो भी कोई इश्यू नहीं है, देखी जाएगी। आप लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए, आप लोगों के लिए मज़े के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो वो मैटर करता है, वो बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच यार गाइज, एंड आपका जो प्यार, अब तक इतना सपोर्ट मिलता है। एक सीरियस बात जो मैं बीच में बोलने वाला था, भूल गया, वो ये कि दोस्तों टेलीग्राम पे कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सेकंड्स के डिफरेंस से हार जाते हैं, 1 या 1.5 सेकंड्स के। इसका लाइव एग्जाम्पल अभी आपने देख लिया, दो जो ट्रेड हम हारे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेकंड्स के डिफरेंस से हारे, 1-1 सेकंड्स के डिफरेंस से हम हारे हैं। तो ये ना सबके साथ होता है, नॉट इवन आपके साथ नहीं, सिर्फ मेरे साथ भी ये होता है। कई बार ऐसा होता है मैंने जो ट्रेड प्लेस की, मैं जीत गया आप हार गए, तो वो सिर्फ सेकंड्स की वजह से, लास्ट सेकंड्स की वजह से। आपकी ट्रेड 3-4 सेकंड बाद प्लेस होगी, मेरी जो है तुरंत प्लेस होगी, तो वो चीज़ आ जाती है डिफरेंस कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ में ना फंसे। और कुछ लोगों को जिन्हें समझ नहीं आ रहा होगा मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, तो यार उन लोगों को बता दूँ, टेलीग्राम पे रोज रात को 9:30 बजे लगभग लगभग लेते हैं हम ट्रेड। तो यार आपको अगर ज्वाइन होना है हमारे लाइव सेशन में, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। और एक और बात तो कह ही चुका हूँ मैं यार, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और शेयर करते रहा करो यार वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच गाइज, यार मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।